देश में लोकसभा चुनाव शुरू होने के बाद से बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कभी बाजार सरपट भागता नजर आता है तो पल में ये बिखरा दिखाई देता है। स्टॉक मार्केट में जारी उथल पुथल के बीच बीते दिनों केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव नतीजों के आने के बाद बाजार में जोरदार तेजी का अनुमान जाहिर किया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि 4 जून को जब चुनाव नतीजे आ जाएंगे तो उसके बाद शेयर बाजार में जोरदार उछाल देखने को मिलेगा, शेयर बाजार सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। पूरी खबर जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और शेयर बाजार को लेकर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि देश में जारी लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून 2024 को आएंगे और इन नतीजों के आने के बाद भारतीय शेयर बाजार अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आप देखना कि चुनाव के नतीजे आने के बाद पूरे हफ्ते इस कदर ट्रेडिंग होगी कि उसे ऑपरेट करने यानी प्रोग्रामिंग वाले थक जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों में बाजार ने 25,000 से 75,000 का सफर तय किया है। इस इंटरव्यू में सरकारी कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी की उम्मीद भी जाहिर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनके मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयर आजकल दौड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स जितना ज्यादा शेयर बाजार में निवेश करेंगे उतना ही अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है। उनके पूरे शब्द हैं कि हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा आर्थिक सुधार किए हैं और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाली आर्थिक नीतियां लागू की हैं। इसका असर भी साफ दिखाई दिया है। वे चाहते हैं कि नागरिकों में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी यानी जोखिम उठाने की क्षमता बढ़नी चाहिए। ऐसा सोचकर जीने से कोई बात नहीं बनती कि क्या होगा और क्या करूंगा। पहले पीएसयू शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिलती थी लेकिन आज ये उछाल मार रहे हैं, ऐसा मोदी जी ने कहा। विपक्ष HAL को लेकर तमाम बातें करता था लेकिन आज हालात इतने बदले हैं कि चौथी तिमाही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रिकॉर्ड प्रॉफिट यानी 4,000 करोड़ रुपए दर्ज किया है। ये है प्रधानमंत्री के बोल। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था उस पर बात कर लेते हैं। तो पीएम मोदी से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाजार में जारी उथल पुथल के बीच कहा था कि स्टॉक मार्केट में गिरावट या उतार चढ़ाव को लोकसभा चुनावों से नहीं जोड़कर देखना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने तमाम तरह की अफवाहों को कारण बताया था। इसके साथ ही गृह मंत्री ने भी ये भी कहा था कि 4 जून 2024 के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी आने वाली है और इस बयान के बाद से हमने शेयर बाजार में हरियाली देखी। शेयर बाजार एकदम से मात्र आधे घंटे में हरे निशान पर कामकाज करता नजर आया। अमित शाह ने बाजार में तेजी का अनुमान लगाते हुए इसके पीछे की वजह भी बताई थी। उन्होंने कहा कि जब भी देश में स्थिर सरकार आती है तो बाजार में उछाल आता है, तो और हमारी सीटी 400 के पार जाने वाली है, फिर मोदी सरकार आएगी और साथ ही मार्केट में तेजी भी देखने को मिलेगा। हमेशा ऐसा ही हुआ है, अमित शाह गृह मंत्री ने ये कहा था, जिसके बाद से बाजार में गजब की तेजी देखने को मिली। अब प्रधानमंत्री की ये शब्द बाजार पे ये अनुमान आने वाले वक्त में बताइए कि बाजार किस ओर भागता है। लेकिन आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।